Okay, recently one of my friends went through a breakup. And he's one of those guys who can't handle their breakups. तो ब्रेकअप के बाद कुछ ज्यादा ही रोने लगे, चली गई भाई, चली गई, ओ शिट यार, इतना प्यार किया फिर भी चली गई. इनसे विश्वास ही नहीं होता इनको कोई लड़की छोड़ सकती है. बट वॉट दे डू इज दे नेवर टेल यू डायरेक्टली दैट दे हैव ब्रोकन अप. वॉट दे डू इज दे ट्राई टू स्लिप इट इन कॉन्वर्सेशंस. लेकिन हर बात में ना ब्रेकअप की टोन आती रहती है, मनहूसियत मतलब. आप फोन कर लो, आपका मूड ही खराब हो जाए. मतलब मैंने फोन किया, मैं कहाँ है? कह रहा हॉस्टल में. मैं कहा अकेला है? बहुत. मैं कोई नहीं यार, टेंशन मत ले, दारू पिया क्या? नहीं, आंसुओं से पेट भर लिया. अच्छा, मैं एक बार छोटा था तो मैं चॉकलेट खा रहा था, तो मैं डैड आ गया था, बेटा चॉकलेट मत खाओ. मैं क्यों? क्या दांत में कीड़े पड़ जाएंगे. तो मैं आइसक्रीम खाने लग गया. तो मैं डैड आ गया था, बेटा आइसक्रीम मत खाओ. मैं क्यों? क्या दांत में कीड़े पड़ जाएंगे. तो मैं कीड़े खाने लग गया. मैं डैड आया, कहता बेटा कीड़े मत खाओ. मैं क्यों? कह दांत में कीड़े पड़े. मैं इधर आओ पापा, जरा इधर आओ, इधर आओ, जरा बात करनी है. मैं कोई और बात करनी आती है आपको? कह रहे तमीज से बात करो, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. एंड दैट इज वन थिंग दैट आवर पेरेंट्स हैव ऑलवेज टॉट अस, राइट? रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. बट दे नेवर एक्सप्लेन्ड व्हाई. और मुझे लगता नहीं उनके पास कोई रीजन है. वो बोले जा रहे हैं, हम माने जा रहे हैं फालतू में ऐसे ही. तो मैंने कहा एक बात बताओ पापा, क्यों करनी होती रिस्पेक्ट? कह रहे हैं वो बस करनी होती है. मैं क्यों मगर? कह रहे हम पहले पैदा हुए थे. और कह रहे और तो कोई रीजन है नहीं मेरे पास. मैं को रिस्पेक्ट नहीं की तो क्या? तो दांत में कीड़े, पागल तो नहीं आ रहा? एंड दे ऑल्सो टेल यू दैट यू शुड रिस्पेक्ट वुमेन, विच आई अग्री. सो यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड यू शुड रिस्पेक्ट वुमेन. मतलब सिर्फ छोटे लड़कों की बेइज्जती कर सकते हैं हम. बच्चा ही वो ग्रुप है ना बेइज्जती करने के लिए. तो मैं तो छोड़ता नहीं, मैं सड़क पर दिख जाए छोटे लड़के तो. मैं और तेरी तो दाढ़ी भी नहीं है, निकल यहाँ से. Okay, recently one of my friends came up to me and he criticized me, right? But he criticized me for something that I have never been criticized for in my entire life. He said, and I quote, यार वैसे तो बंदा बड़ा प्यारा है, पर यार तेरे मसूड़े बड़े गंदे हैं. Exactly. It took a little time for me to register this completely. मैं कहा हाँ यार, I have to work on it. एक मसूड़े? मसूड़े होते किसके अच्छे? मसूड़े कोई एलिगेंट बॉडी पार्ट नहीं है. Like you never see guys talking about girls. भाई बंदी क्या मसूड़े थे यार. ये बंदी का ये वाला पार्ट सुंदर है ना, ये वाला मजा ही आता देख. Okay, before I go, guys, how many of you watch football? Give me a cheer. No, उसकी कोई बात नहीं करनी है. मैं फुटबॉल मैच देख रहा था, उसमें अनाउंसमेंट हुई बड़ी अजीब टाइप की. वो बंदा आया और कहता टुडे इज द एंटी डिस्क्रिमिनेशन डे, एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर और सेक्स वुड नॉट बी अप्रिशिएटेड. वुड नॉट बी अप्रिशिएटेड. मैं तुम कर लो, तारीफें नहीं कर रहे तुम्हारे रेसिज्म के हम, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट्स तो मत ही एक्सपेक्ट करना. आई थिंक इंडिया ये जहाँ डिस्क्रिमिनेशन को हम लाइटली लेते हैं बिकॉज वी हैव मच बिगर प्रॉब्लम्स टू डील विद, राइट, दैन डिस्क्रिमिनेशन. लाइक कंसिडर मुंबई पुलिस, एवरी डे दे आर गेटिंग केसेज ऑफ मर्डर एंड किड्स गेटिंग स्टैब्ड एंड समबडी गेटिंग रॉब्ड. और तब कोई भाई साहब आ रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन की कंप्लेन लेके. सर मेरी कंप्लेन लिखना क्या हुआ? उसने मुझे काला बोल दिया. Oh,
पुलिस वाले गुस्सा आ जाएगा। तो देख भाई, उसने तुझे काला बोल दिया क्योंकि तू काला है। भाग जाए ऐसे काले कलुए, भाग यहां से। अबे अंधेरा हो रहा है, दिखे भाई, कोई गाड़ी मार जाएगी, निकल जाए ऐसे। थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस, माय नेम इज अभिषेक उपाध्याय।